हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको 3D मॉडल में ज्योग्राफी का एक स्पेशल वीडियो दूंगा जिसके माध्यम से आप उसका रोटेशन जो है समझ सकेंगे। तो वो वीडियो मैंने तैयार कर लिया दोस्तों, वो मैं तैयार करके लिया हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। आप चीज़ों को समझिएगा, बड़ा इत्मीनान से फोकस करिएगा अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए, अभी जो हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की गतियां जो होती हैं, दो तरह की गतियां होती हैं, घूर्णन गति हो गई, दूसरी परिक्रमण गति हो गई, ठीक है। तो दोनों पे हमें फोकस करना है। घूर्णन करने के साथ साथ जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, वो दोनों कैसे होता है। ये अभी जो आप ये लंब देख रहे हैं, ये डंडा देख रहे हैं, ये पृथ्वी पर स्थित है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ से मैं रोक करके वीडियो आपको क्लियर करता हूँ। तो अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि पृथ्वी जो है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है, अपने अक्ष से 23.5। ऐसे खड़ी होती अगर तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री झुकी होती है, तो जो उत्तरी ध्रुव यहाँ और दक्षिणी ध्रुव यहाँ होने चाहिए, यहाँ ना होकर के ये शिफ्ट हो चुके हैं इस पॉइंट पर, ये शिफ्ट हो चुके हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी उत्तरी ध्रुव है जो आपका यहाँ पर है, जो दक्षिणी ध्रुव है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत कोई हड़बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। अभी देखिए, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है, इस तरह से पृथ्वी अपना रोटेट कर रही है। दूसरी बात है, आपको जो यहाँ ध्यान देना है कि आप पृथ्वी का रोटेशन देख रहे हैं, वो मूवमेंट जो है आपका इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, तो जो मूवमेंट हो रहा है, और यानी ये पृथ्वी जो है ये कैसे घूम रही है, तो याद रखिए, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि इस एरिया में भारत है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे जो है भारत एक लोकेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, सूर्य यहाँ पर है, और सूर्य के प्रकाश से ये पूरा यहाँ तक का हिस्सा जो है, अभी सूर्य तो रोटेट नहीं होगा ना, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री थोड़ा झुका है, सूर्य तो अपना सीधा ही रहेगा, क्या समझ रहे हो। सूर्य जो रहेगा वो तो अपना कैसा रहेगा, वो तो सीधा ही रहेगा, उसको तो 23.5 डिग्री से मतलब है नहीं। तो अगर मैं मानूं कि भारत यहाँ पर है, तो भारत का ये हिस्सा गुजरात का है और ये हिस्सा अरुणाचल का है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर पृथ्वी इस तरह से रोटेट कर रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर रोटेट कर रही है, मैं ऐसा अगर मान रहा हूँ, और सूरज यहाँ पे स्थिर है, तो जैसे ही पृथ्वी रोटेट करेगी, जैसे घूमना शुरू करेगी, ये आगे ये हिस्सा क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, अभी ये हिस्सा क्या करेगा, ये हिस्सा आपका बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ये हिस्सा क्या करेगा, इधर रोटेट कर रहा है, तो ये सूर्य का प्रकाश आता चला जाएगा इधर, मतलब कि जो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश दिखता है वो कहाँ दिखता है, तो आपके अरुणाचल में दिखता है, अगर हम भारत की बात करेंगे तो। दोस्तों, थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा, जब पूरे विश्व में समस्त देशों की खोज नहीं हुई थी, उस समय तक की आपको बात बताऊँ, एक कहावत कही जाती थी कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं। आज भी हमारे सामने कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, और मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रश्न गलत है। मैं क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो प्रश्न आता है एग्ज़ाम में वो गलत है। कैसे? क्योंकि आपसे कहा जाता है कि उगते सूरज का जो देश है वो कौन है, वो कौन सा है उगते सूरज का देश, तो कहा जाता है भैया जापान है। ये गलत इसलिए दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, तो जहाँ पे सूरज उगता है, उगता दिख, एक्चुअली में सूरज उगना तो उगता है ना, तो अस्त होता है। हमारी पृथ्वी मूव करती है, रोटेट करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके वजह से हमें एहसास होता है कि क्या हो रही है, सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है। एक्चुअली में रियलिटी है कि ना तो सूरज उगता है ना ही सूरज डूबता है। तो उगते सूरज का देश जापान कहा जाता था, लेकिन अभी एक्चुअली में सबसे पहले अगर प्रकाश किसी भी पड़ता है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो वो पड़ता है न्यूजीलैंड में। तो भैया जापान को क्यों कहा गया उगते सूरज का देश? दोस्तों, इसलिए कहा गया कि उस समय तक न्यूजीलैंड की खोज नहीं हुई थी, और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कहा कि भैया उगते सूरज का देश कौन सा है, जापान है, ठीक है। तो क्योंकि अभी आप जापान की और न्यूजीलैंड की स्थिति देखेंगे अगर आप कभी मैप पे, तो मैं आपको यहाँ पे लोकेट करूँ, जापान अगर मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड की स्थिति यहाँ पे पड़ेगी। तो बताओ, सूरज का प्रकाश पहले यहाँ जाएगा या पहले यहाँ पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे पड़ता है, और कारण में पड़ता है, आप मैप उठा के देखो तो आपको पता चलेगा वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से दोस्तों, पहले कहा जाता था उगते सूरज का देश जापान है, लेकिन ये गलत टिप्पणी थी, अभी आप याद रखो, फिलहाल आपके एग्ज़ाम में आएगा भैया, तो आप जापान ही टिक करना, क्योंकि हमारे आयोग में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? PCS का प्रश्न नहीं तैयार कर पा रहे हैं, बताइए, 8-8, 10-10 क्वेश्चन जो है गलत छाप दे रहे हैं। ऐसे लोग तो हमारे बैठ के पेपर बना रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, आए दिन समस्याएँ हो रही हैं, मतलब एक एग्ज़ाम को ही नहीं कंडक्ट करा पा रहा है यार, एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा रहा है। ये असली
असलियत है भारत की बात, बड़ी बड़ी चलने वाली बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े वो, एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। जितने भी पार्टी हैं, कोई कोई आपसे ना तो रोज़गार के मुद्दे पे बात करने वाला है, कोई ना तो रोज़गार के मुद्दे पे बात करने वाला है, कोई ना तो शिक्षा के मुद्दे पर बात करने वाला है, कोई ना तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने वाला है, ध्यान सुनिएगा, ना ही कोई न्याय के मुद्दे पर बात करने वाला है। यार हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पहले वो पूरा करे सरकार, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, आप देखते हो कि एम्स में लोगों का इलाज तक नहीं हो पाता, पीजीआई में इलाज तक नहीं हो पाता, मरीज लौट के जाते हैं। यार एम्स खोलो ना, एम्स खोलो, जगह जगह पीजीआई खोलो, जगह जगह हॉस्पिटल खोलो, उसकी सुविधा बढ़ाओ, आप इस पर फोकस करो, शिक्षा दो। बिना शिक्षा के कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता, कभी कर ही नहीं सकता है। लोग शिक्षित होंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लोग शिक्षित होंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लोग शिक्षित होंगे तो अपने भविष्य के बारे में चिंता करने लगेंगे, सोचने लगेंगे। अभी क्या होता है, अभी लड़के जिनको पढ़ना लिखना नहीं है वो नेताओं के पीछे पीछे जाते हैं, हाँ झंडा है झंडा है, ये है वो है, मार अनाप शनाप नारे लगाए पड़े रहते हैं, पढ़ना लिखना नहीं है, कैसे कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, नेतापन से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। हाँ तो शिक्षा को बढ़ाओ यार, शिक्षा को, ऐसी शिक्षा मुझे नहीं समझ में आता कि अब बहुत सारे लोग, आप लोग पढ़ते होंगे हमसे तो आपको फील होता होगा, सर कक्षा 6, 7, 8 में मैं ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हम सब कुछ वही पढ़ रहे हैं भाई। आईएएस का सिलेबस क्या होता है, 6 से लेकर 10 तक जिसने अच्छे से पढ़ा वो आईएएस हो गया आईएएस भाई, यही सिलेबस आईएएस का। आप उठा के देखो तो आईएएस का सिलेबस डाउनलोड करो, देखो पढ़ो क्या दिया है सिलेबस में, ठीक है, तो वही चीज़ है आपके। बाकी मेंस में तो बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दे रहा है। तो शिक्षा पे कोई बात करने को तैयार नहीं, रोज़गार पे कोई बात करने के लिए तैयारी, कैसे रोज़गार मिलेगा, कितनों को रोज़गार मिलेगा, कोई रोज़गार के मुद्दे पे बात ही नहीं करने वाला। जिसका जो मन कर रहा है बोल रहा है, कोई पंचर बनाने को बोल रहा है, कोई पकौड़ा छानने को बोल रहा है, ऐसे आगे बढ़ेगा देश? न्याय के ऊपर कोई बात ही नहीं, हाई कोर्ट उठा लो, सुप्रीम कोर्ट उठा लो, इतने केस पेंडिंग में पड़े हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं, बताइए उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। और तमाम चीज़ें हैं जो ज़रूरी, जो मूलभूत चीज़ें हैं, पहले उस पर बात करो यार। चलिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, एक दिन मैं बीजेपी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया तो कुछ लोगों का कमेंट बड़ा प्यारा प्यारा था, पढ़ के बहुत अच्छा लगा, हाँ भाई सही है, ठीक है। चलिए खैर जो भी हो, मुझे पढ़ाना है, मैं यही मेरा काम है भाई, मैं अपना काम तो ईमानदारी से करूं, और कोई करे ना करे मैं तो ईमानदारी से करूं, क्योंकि अगर एक भी आदमी ईमानदार हो गया ना तो पूरा देश ईमानदार हो जाएगा। आज मुझसे लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हैं सब्सक्राइबर, 1,45,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, तो 1,45,000 अगर खाली ये ठान लें कि मैं ईमानदार हो जाऊँगा तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। खैर अपने टॉपिक बात करते हैं, तो ये 23.5 डिग्री जो झुकाव है पृथ्वी का, ठीक है, इसकी वजह से देखिए क्या होता है। अभी देखो आप बीच में देख रहे हो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और ये जो आप रेखा देख रहे हो ये दीर्घ वृत्ताकार में जो पृथ्वी है ये आपकी चक्कर लगा रही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाई में चक्कर नहीं लगाती, दीर्घ वृत्ताकार आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री का झुकाव मायने रखता है, और तीसरी चीज़ जो पृथ्वी रोटेट कर रही है, अपने घूर्णन कर रही है वो, प्लस जो परिक्रमा कर रही वो, तो देखो होता है यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, पहले वीडियो देखना बाद में मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी पृथ्वी रोटेट कर रही है, अभी ये सीज़न जो है, अगर मैं जिसकी तरफ धूप है, ठीक है, उसकी तरफ तो गर्मी का सीज़न। अच्छा मैं यहाँ बताऊँ आपको थोड़ा सा चीज़, यहाँ पे रोकिएगा, अभी ये जो रोटेट करते हुए पृथ्वी उस साइड जा रही है, इसका झुकाव मायने नहीं रखता, ठीक है, कि पृथ्वी कई बार इमेज में क्या होता है कि इस तरह से झुकाव इधर बना हुआ है, ठीक है, कभी झुकाव पता चलता है इधर बना हुआ है, कभी झुकाव पता चलता है इधर बना, कोई उससे मायने नहीं रखता, ठीक है। आप किधर भी एक बार में झुका लो पृथ्वी को और रोटेट कराओगे तो आपको वही चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, वही चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस रोटेशन के बारे में, जिस तरह से झुका हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन कब की है दोस्तों, तो जिधर आपका धूप दिख रहा है, जिधर आपका, थोड़ा सा बैक करता हूँ, जिधर आपका धूप दिख रहा है दोस्तों उधर क्या होगा, ये 21 जून की कंडीशन है, आपकी 21 जून की कंडीशन बनेगी। क्योंकि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर, अच्छा मैंने आपको 4 डेट बताया था याद करने के लिए, एक 21 जून का डेट बताया था, एक 22 दिसंबर का बताया था, एक 21 मार्च का बताया था, एक 23 सितंबर को बताया था, ठीक है। तो अभी 21 जून मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, एक बार आप रोटेशन पूरा देख लो फिर उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी पृथ्वी रोटेट करते हुए आगे गई, सीधे 6 महीना पे यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, सीधे 6 महीना पे ये स्टॉप हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो अभी ये हिस्सा आ गया।
अभी फिर से समझो दोस्तों, थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, फिर से समझना। देखो पृथ्वी कर क्या रही है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, और अभी सूरज के सामने जो है पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, अभी पृथ्वी के सामने सूरज के सामने पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो दोस्तों एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, ये जो अक्ष गया है और अक्ष के बगल में ये यहाँ तक उजाला है और इस वाले एरिया में अंधेरा है। दोस्तों ये अंधेरा पता कब तक रहेगा, ये अंधेरा तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी यहाँ नहीं पहुँच जाती, ये अंधेरा तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी यहाँ नहीं पहुँच जाती, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी रोटेट कर रही है, अभी इसीलिए होता है प्रॉब्लम, ठीक है, अभी इसीलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं कि 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि इस वाले एरिया में दोस्तों 6 महीना का दिन रहता है और इस वाले एरिया में पूरा 6 महीना का रात रहता है, क्योंकि पृथ्वी मूव करेगी ना तो घूम फिर के दिन वाला एरिया दिन में ही पड़ा रह जाता है, लेकिन यहाँ रात वाला एरिया जो है वो रात में ही रह जाता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी जो है आपका क्लियर हो पाएगा। देखिए ध्यान से, रोटेट कर रही है, रात वाला एरिया रात में है, दिन वाला एरिया दिन में है। अभी देखो दिन वाला एरिया अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, और अभी अभी जो है नीचे वाला एरिया जो हो गया दोस्तों, अभी जो नीचे वाला एरिया हो गया वो दिन की तरफ हो गया, और ऊपर वाले एरिया में क्या हो गया आपके, रात हो गया, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं ध्यान से, देखिए बहुत इत्मीनान से देखिए, ये घूमते हुए आगे गई और ये लोकेशन चेंज हो रहा है, अब ऊपर वाला एरिया अंधेरे में आ गया और नीचे वाला एरिया जो है वो आपके उजाले में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब 6 महीना दिन रहेगा और ऊपर 6 महीने की रात रहेगी। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ जाने में, जहाँ से जहाँ तक पहुँची वहाँ जाने के अनुसार जो है यहाँ पर जो है चेंजिंग आ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ये देखना पड़ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जिस तरह से लेट टू देख रहा हो आप नाच रहा है अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे, तो ठीक इसी तरह से दोस्तों पृथ्वी भी घूमती, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये अगर हम उसका रोटेशन ध्यान से देखेंगे तो देखो पृथ्वी वैसे घूमती है। तो अभी मैं फिर से यहाँ रोकने वाला हूँ, ध्यान से देखना, एक थोड़ा सा पीछे करता हूँ आपको। अभी देख रहे हो जब भी इधर है तो ये वाला एरिया, इतना बड़ा एरिया, तो एक बड़ी प्रॉब्लम होता है इसमें पढ़ाने में, मेरा खुद का ही नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया कि आपको समझाना था तो मुझे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना पड़ा, ठीक है, और उसमें जो है उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी जो ये वाला एरिया है यहाँ पूरा का पूरा दिन, देख रहे हो आप इतना बड़ा एरिया में पूरा का पूरा दिन है, ठीक है, और जब तक ये इधर नहीं आ जाता, अपोजिट एंगल पे नहीं आ जाता, तब तक ये दिन बना रहेगा, ठीक है, और इस वाले एरिया में यहाँ तक पूरा का पूरा रात है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए अब इस एरिया में आया था इस एरिया में दिन हो गया, इस एरिया में आया था इस एरिया में दिन हो गया। तो ये पृथ्वी का रोटेशन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से दोस्तों रोटेशन होता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं जो है ये धीरे धीरे घूम रही, बहुत तेज़ी से, मतलब कि ये तो डेली का काम है ना 24 घंटे में, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेशन होता है। और एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे और बताया था कि जब पृथ्वी की किरणें, जब सॉरी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर मकर रेखा पर गिरती हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, दक्षिण आयनांत होता है। मकर रेखा पे अगर गिरेंगी तो क्या होगा, दक्षिण आयनांत होगा, और ये कब कंडीशन आती है, 22 दिसंबर के दिन। लेकिन अगर कर्क रेखा पे गिरती हैं, कर्क रेखा पे गिरती हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका, सीधे अगर कर्क रेखा पे सीधे पड़े तो 21 जून के दिन होता है ये, इसको उत्तरी आयनांत बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों, और जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन उत्तरी आयनांत होता है, जैसे अभी कल ही 21 जून था, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरी होंगी, सीधा पड़ी होंगी कर्क रेखा पर, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम बात कर लें पूरे ग्लोब की बात कर लूँ, और इसमें बात कर लूँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, तो याद रखें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत, मतलब गर्मी की शुरुआत, तो गर्मी की शुरुआत तो हो ही चुकी है, और जो शीत ऋतु होगा वो कहाँ पर होगा, तो दक्षिण में, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है दक्षिण में क्या होगा, इस समय जहाँ पे गर्मी पड़ रहा है इस समय दक्षिण गोलार्ध में अगर हम किसी भी देश में चले जाएँ तो वहाँ शीत ऋतु पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट में दूसरी कंडीशन ले लूँ, 22 दिसंबर वाली कंडीशन ले लूँ, 22 दिसंबर वाली जिस दिन दक्षिणी आयनांत होता है, जिस दिन सूर्य की किरणें डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ती हैं, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होता है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी में के मैप में हम लोगों का जो भारत है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 22 दिसंबर के आसपास में कौन सा महीना पाया जाता है, ठंडी का समय पाया जाता है, तो ठंडी मतलब आपका शीत ऋतु है, और दक्षिण में क्या पाएगा, ग्रीष्म ऋतु। इसीलिए एक और चीज़ मैंने आपको कल आज ही बताया था कि जो क्रिसमस डे है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि क्रिसमस डे किसी और दिन हो गया, लेकिन उस टाइम पर जो होता है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ही होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ मैंने 21 मार्च और 23 सितंबर का जिक्र किया था, ये वो समय होता है जब पूरे के पूरे पृथ्वी पर हर, मतलब पूरे पृथ्वी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे पूरे पृथ्वी पर, लेकिन ये है कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा पीरियड आपका, 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर,
ये दो पीरियड ऐसे हैं जब सूर्य की किरणें क्योंकि विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं, किस वृत्त पर दोस्तों, विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं, तो इस अवस्था में जो है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरे पृथ्वी पर दिन रात जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए इसको विषुव बोला जाता है। ठीक है, तो ये फोकस करके आप याद रखिएगा। साथ ही साथ में आप लट्टू वाली कहानी आप देख लीजिए, लट्टू जिस तरह से अपने अक्ष पे मूव करता है ठीक पृथ्वी भी उसी तरह से मूव करती है। ठीक है, ये आप मूवमेंट देख पा रहे हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ, तो ये मूव कर रही है, देखो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात की कंडीशन आप देख रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ से आप देख लो, ठीक है, ये मूव करते हुए गई, ये वापस गई, देख रहे हो उसका छाया, देखो छाया देखोगे तभी आप जो है चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप छाया नहीं देखोगे तो चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे। देखो ऊपर से जब ये रोटेट करती तो अक्ष से इस तरह की कुछ आकृति बनती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तो देखो ऊपर, अब देखो बार बार वीडियो आपको क्यों दिखा रहा है पता है, अब वो वीडियो को ऊपर से दिखा रहा है, ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो। ठीक है, ये देखो उत्तरी ध्रुव वाले एरिया देख रहे हो, पूरा का पूरा देखो दिन ही दिन पड़ा है देखो। ठीक है, तो इस तरह से लोकेट होता है। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, यही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और कुछ नहीं है। तो एक बार समझने का प्रयास करिएगा, अगर समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कन्फ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ी बात है कन्फ्यूज होना, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और ऐसा नहीं कि इसके बारे में भी मैं आपको और नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, लेकिन कब, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ताप कटिबंध के बारे में, देखता हूं कि किस क्लास में मुलाकात होती है ताप कटिबंध के बारे में। जब आप ताप कटिबंध पढ़ेंगे ना तो उस समय एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में ये इसका ज़रूरत क्या होता है और इससे जो पृथ्वी प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है। तो ताप कटिबंध जब भी आएगा हमारे सामने जिस भी बुक में, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।